टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 द वुल्फ हैज कम। आज हम बच्चों चैप्टर 3 मोटर साइंस में पढ़ेंगे द वुल्फ हैज कम। इस स्टोरी में हमको ये सीखने को मिलेगा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। इट इज सेड दैट ट्रूथ इज गॉड, गॉड ऑल्सो लव एंड फेवर देम हु स्पीक द ट्रूथ। देखिए बच्चों, इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे कि हमेशा जो है सच बोलना चाहिए और ईश्वर भी उसी को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं, ना भगवान उसको पसंद करते हैं ना जो सच बोलता है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, है ना। अगर आप झूठ बोलोगे तो कभी भी अगर आप डेंजर में होते हैं, सच बोलेंगे तो आपके ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आपको हमेशा इसीलिए सच बोलना चाहिए, है ना, सच बोलना चाहिए ना। तो इस कहानी में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। एक गोपाल नाम का एक बच्चा होता है ना, गोपाल लिव्ड इन तारापुर विलेज। गोपाल जो है कहाँ रहता है, तारापुर विलेज में रहता है। वो क्या है, ही वॉज अ शेफर्ड बॉय। वो क्या होता है, तारापुर विलेज में रहने वाला एक चरवाहा होता है, जो भेड़ वेड़ चराते हैं ना, चरवाहा है ना, जो भेड़ चलाते हैं, शेफर्ड बॉय है ना। ही लुक्ड आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप डेली। वो अपनी जो है अपनी जितनी भी भेड़ बकरी रहती थी उसको एक साथ लेकर जाता था झुंड में चराने के लिए, है ना। कौन जाता था, शेफर्ड बॉय। कौन, जो चरवाहा था। क्या नाम था उसका, गोपाल नाम था। क्या नाम था, गोपाल, है ना। ही टुक द फ्लॉक टू द हिल साइड फील्ड इन द विलेज। वो कहाँ लेके जाता था चराने के लिए, एक फील्ड पे लेके जाता था मैदान में। वहां पर अपनी सारी जितनी भी भेड़ बकरी रहती थी उसको साथ में लेकर क्या करता था, चराने के लिए ले जाता था, ठीक। वन डे ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी बट ही फेल्ट बोर्ड। एक बार क्या होता है, एक दिन वो अपना वो ड्यूटी कर रहा होता है, जो चराने लेके जाता है वही काम कर रहा होता है, बहुत बोरिंग फील कर रहा था, बहुत बोर हो गया था। कौन बोर हो गया था, गोपाल। कौन बोर हो गया था, गोपाल को बहुत बोर हो गया, वो बहुत ऊब गया कि रोज रोज उसके मन में क्या है, रोज मैं आता हूँ यहीं पहाड़ पे अपनी भेड़ को चराने के लिए, मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ, मतलब उसको मजा नहीं आ रहा था, है ना। किसको मजा नहीं आ रहा था, गोपाल को मजा नहीं आ रहा था ना, वो ऊब गया था अपने काम से। वो रोज रोज लेके जाता था ना अपनी भेड़ को चराने, तो उसको बहुत बोरिंग फील हो रहा था, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ठीक है। ही गॉट एन आइडिया एंड ओके आर्यन यू स्टार्ट रीडिंग। विलेजर्स एंड शाउटेड ओके वेट। इसमें क्या होता है, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग। वो डिसाइड करता है कुछ करने के लिए, है ना। क्या करने के लिए, वो डिसाइड करता है, उसके दिमाग में ट्रिक आता है कि चलो विलेजर्स को क्या बनाते हैं, विलेजर्स को क्या बनाते हैं, फूल बनाते हैं। फूल का मतलब क्या होता है बच्चों, बेवकूफ बनाना, है ना। तो वो क्या करता है, शेफर्ड बॉय क्या डिसाइड करता है, गोपाल, कि चलो हम जो है जितने विलेजर्स हैं उसको बेवकूफ बनाते हैं। चिल्लाने लगता है, क्या बोलता है, उल्फ उल्फ हेल्प हेल्प, चिल्लाने लगता है झूठ झूठ कि अरे आओ बचाओ बचाओ, यहाँ पे कौन है, उल्फ आ गया है ना। कौन चिल्लाता है, गोपाल चिल्लाता है। किसको फूल बनाता है, विलेजर्स को। किसको बनाता है, विलेजर्स को क्या बनाता है, फूल बनाता है। क्राइज शेफर्ड गोपाल। उल्फ, यहाँ देखिए बच्चों, द विलेजर हियर्ड हिज पुअर क्राई। और विलेजर्स जितने हैं वो सुनते हैं किसकी आवाज को, गोपाल की आवाज को, है ना। दे रन आउट ऑफ द
विलेज टू हेल्प द शेफर्ड बॉय, और वो विलेज से दौड़ते हुए जाते हैं उस शेफर्ड बॉय गोपाल को बचाने के लिए, है ना। कौन जाता है दौड़ते हुए? विलेजर्स, विलेजर्स जाते हैं ना बचाने के लिए। दे रीच इन द फील्ड एंड आस्क्ड गोपाल वेयर इज द वुल्फ, और वो पहुंच जाते हैं, विलेजर जो है फील्ड पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि कहाँ पे है, बताइए कहाँ है उल्फ। कौन कहता है, कौन बोलता है? विलेजर्स किसको बोलते हैं? वेरी गुड, गोपाल को बोलते हैं ना सैफर्ड बॉय को, कि कहाँ है उल्फ बताइए। गोपाल लाउड लाउडली हा हा हा, आई फूल्ड ऑल ऑफ यू। गोपाल जो है लाउडली लाफ करता है, बहुत तेजी से हंसता है और क्या कहता है कि अच्छा मजा आया मुझे, मैं तो फूल बना दिया विलेजर्स को। विलेजर्स को क्या बनाता है गोपाल? फूल बनाता है ना। गोपाल लाफ्ड लाउडली, वो तेजी से हंसता है विलेजर्स के ऊपर और क्या कहता है, आई फूल्ड ऑल ऑफ यू, मैंने बेवकूफ बना दिया आप सभी को, है ना।